अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं हूँ ज़ैद मसूद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ैद के व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये दोस्तों अनार है, दिलबर को खिलाता हूँ, देखते खाता है नहीं खाता। दिलबर ये लो अनार खाओ। दिलबर दोस्तों ठीक से नहीं खा रहा। मुर्गी दोस्तों अंदर बैठी है, इन तोतों को खिलाता हूँ। मिट्ठू ये सारे खिला देता हूँ। दोस्तों मैंने अनार इधर सारे डाल दिया है, तोते बड़े शौक के साथ खा रहे हैं। दिलबर दोस्तों यहाँ पे खड़ा है, मुर्गी अंदर बैठी है, वो पता नहीं अंडा दे रही है, पता नहीं क्या कर रही है, बैठी है ऐसे। इनको दोस्तों पानी भी चेंज कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इधर पानी भर के रख दिया है, अब दोनों ये खरगोश होना पानी पियेंगे, इंजॉय करेंगे। ये दिन अभी दोस्तों बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आ गया ना फिर अंदर नहीं जाएगा। दोस्तों ये तोता जो है ना इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों मुर्गी ने अभी तक अंडा नहीं दिया, और दोस्तों मुर्गी ना कूड़ों को देखें, ये कहती है मुझे ना अंडे दो। दोस्तों मुर्गी कूड़ों तो किया है माशाल्लाह से, खुशखबरी तो सुना दिया उसने, लेकिन अंडे थोड़े हैं, क्या कर सकता हूँ। दोस्तों छः अंडे मेरे पास पड़े हैं, अब कहती है कि मुझे अंडे दो, मुझे बच्चा निकालना, मैं छः अंडे पर बिठाऊँगा आपको, फिर जाके दोस्तों चार पाँच बच्चे निकलेंगे, फिर उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा। अब देखें दोस्तों मुर्गी इधर बैठी हुई है, कूड़ों को चुकी है। ये सीटा दोस्तों मैंने इस तोतों को खिला देता हूँ, ये मकई जो है इनको दे देता हूँ। अभी दोस्तों मैंने सीटा नीचे फेंका ना, सारे तोते अभी नीचे आ गए, ये देखें सीटा खाने के लिए। इनका तो सीटा बहुत अच्छा लग रहा है, सारे फिंच दोस्तों नीचे आए हुए हैं। दोस्तों मुर्गी ना कूड़ों हो गया है, खुशी तो हो रही है, लेकिन दोस्तों मेरे पास अंडे बहुत थोड़े हैं, छः अंडे हैं। फिर ना असील के अंडे मुझे अगर मिल जाते हैं ना, 20 या फिर 25 अंडे इकट्ठे करके, फिर जो है ना सारे एक साथ इसके नीचे रख दूंगा, फिर जो है ना चूज़े निकलेंगे। दोस्तों फिलहाल अंडे का पता करते हैं, और जैसे ही दोस्तों अंडे मिल जाएंगे ना, उस दिन फिर ना इसको अंडे पर बिठा दूँगा इंशाल्लाह। इनको अभी बंद कर देता हूँ, अब उसने अंडा तो देना नहीं है, बंद ही कर देता हूँ बस। टोटल दोस्तों मुर्गी ने ना 9 अंडे दिए हैं, जिसमें से 6 अंडे मेरे पास पड़े हैं, 3 ज़ाय हो गए हैं। इन खरगोशों को दोस्तों घास दे देता हूँ। ये लो घास खा लो। और दोस्तों कमेंट में बता दें इन दोनों का नाम क्या रखूँ। नाम दोस्तों इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह जो है ना मैं सोच कर ही बताऊँगा इनका नाम क्या रखना है मैंने। तो आप लोग भी बता दें इन दोनों का नाम मैंने क्या रखना है, ठीक है। इनका दोस्तों पानी गंदा हो चुका है। बाजरा दोस्तों मैंने काफ़ी सारा यहाँ रख दिया है, अभी कबूतर जाएंगे बाजरा खाएंगे और अपने इस बच्चे को भी खिलाएंगे। बाकी दोस्तों इधर 2 अंडे आ चुके हैं, उधर भी 2 अंडे आ चुके हैं, अब पता नहीं इन दोनों के एक बच्चे कब आएंगे। खरगोशों को भी दोस्तों बाजरा दे देता हूँ। खरगोश भी दोस्तों बाजरा खाएंगे, यहाँ मैंने बाजरा रख दिया है। ये लो दिलबर बाजरा खाओ। अभी दोस्तों इधर फिंच को भी बाजरा दे देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे बाजरा रख दिया है, अभी सारे चिड़िया जाएंगे नीचे बाजरा खाएंगे। मिट्ठू तोता को भी बाजरा मैंने दे दिया है, तो इधर सारे खुश बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बाजरा भी खा रहे हैं। दोस्तों मुर्गी ना कुड़क हो गया है, असील मुर्गी माशाल्लाह से कुड़क तो हो गया है, मुर्गी कुड़क तो हो गया है, लेकिन दोस्तों अब 6 अंडे तो मैं नहीं बिठा सकता। चलो जाओ अंदर,
मुर्गी कहती है तो सो जल्दी से ना अंडे रख दो, मैं अंडे पे बैठना चाहती हूँ। असली अंडे मिल जाएंगे ना तब ना मैं इस मुर्गी को बिठा दूंगा अंडे पर। आज तो सकुड़क हुई है, कल परसों इंशाल्लाह मैं ना अंडों पे बिठा दूंगा और फिर प्यारे प्यारे बच्चे देगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें। मुझे न इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। खरगोश का दोस्तों मैंने पानी भी चेंज कर दिया, बाजरा भी रख दिया, घास भी रख दिया है, यहाँ से खाते पीते रहेंगे।